चलो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 14, जो पेज नंबर है 205 पे हमारा सम नंबर 14 है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है बच्चा, तो कुछ इस तरह है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो बच्चा सबसे पहले समझ लो, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला हुआ है 1.2 मीटर, ये जो बच्ची है वो देख रही है वो बलून को, जो बलून पहले कहां पे था, यहां पे था, और वो बलून धीरे 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 करके हॉरिजॉन्टल बोल रहे है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप बोलोगे सर यूं आएगा, और यहां से वो हॉरिजॉन्टली यहां से लेके यहां तक आ गया, तो वो ऐसा बोल रहे है। जिनकी हाइट कितनी है बलून की, तो आप बोलोगे सर बलून तो यहाँ पे है, लेकिन उनका आप बोलोगे सर वो कितनी हाइट पे है, तो 88.2 हाइट है। यहां से आगे चलते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बलून फ्रॉम द आई ऑफ अ गर्ल, आई ऑफ अ गर्ल बच्चा बोला हुआ है, तो आप बोलोगे सर आई ऑलवेज ऊपर होती है, तो यहां से बात हो रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो रहा है वो कितना है, आई ऑफ अ गर्ल एट द इंस्टेंट इज 60, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। पहले तो बच्चा यहां जो पहला जो दिख रहा है वो 60 एंगल का था, और दूसरी बार जो हमने देखा वो यहां पे आप बोलोगे सर यहां से थोड़ा हमने यूं ले लिया थोड़ा, तो ये जो बनेगा वो आप बोलोगे सर 30, दूसरा जो एंगल बनेगा वो। क्लियर है बच्चा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल मतलब ये बलून कहां से कहां कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है बलून ने, वो आपको ढूंढना है। तो बच्चा यहां पे जो समझना है वो ए बी डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यहां की बात करें तो आप बोलोगे सर यहां पे हम लेंगे नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो पहले आप लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो बच्चा सबसे पहले अभी क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले जो समझना है वो ए बी है, ए जी कितना है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 88.2। यहां समझना बच्चा ए से लेके डी तक का डिस्टेंस, बी से लेके ई तक का डिस्टेंस, जो आप बोलोगे हाइट ऑफ अ बलून है, यहां तक समझ में आया। लेकिन आपको जो समझना है, जो बच्ची की हाइट है वो 1.2 है, 1.2, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, तो आप लिखोगे हमें जो काम का है, आप बोलोगे ए जी, ये ए जी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, जो हो जाएगा 87। अभी बच्चा इसके बाद जो आपको जो ढूंढना है वो बेसिकली आप बोलोगे ए बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून इज इक्वल टू, आप बोलोगे क्योंकि यहां जो है वो सेम डिस्टेंस कितना होगा जी एफ, वो हमें ढूंढना है। यहां तक क्लियर बच्चा, समझ में आ रहा है? ये पहले जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर आपको लिखनी पड़ेगी, हाइट ऑफ अ बलून वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे बच्चा इन लिखना शुरू करते हैं। ये पहला ट्रायंगल है, तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए जी एच, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए जी एच। ए जी एच ट्रायंगल में आप बोलोगे सर कौन सी फॉर्मूला लगेगी, तो आप बोलोगे सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये पी अपॉन बेस, पी अपॉन बेस 10, आप बोलोगे 10 कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे 60 वाला लगेगा, कौन सा 1060, तो आप बोलोगे 1060 बेस, अब पहले बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बच्चा हमारा होगा EG, और बेस जो होगा बच्चा आप बोलोगे HG, ये समझ में आ रहा है HG एंड AG। आगे चलते हैं बच्चा, आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा रूट 3, ए जी जो है वो आपने ढूंढ के रखा हुआ है, ए जी इज इक्वल टू 87, और एच जी है वो हमें नहीं पता बच्चा, क्योंकि वो हमें
ढूंढना बाकी है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे एच जी एज इट इज रखो और यहाँ पे लिखेंगे एच जी इज इक्वल टू 87 अपॉन रूट 3। इस बार हम एक्स या वाई कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे, सिंपल तरीके से भी सम होता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। इसके बाद बच्चा दूसरा आप अभी ट्राइंगल देखोगे कौन सा, तो आप बोलोगे बी एच जी, फिर से एक बार बी एच एफ इन ट्राइंगल बी एच एफ, जहां पे आप बोलोगे 10 30 इज इक्वल टू, क्योंकि हमें भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही ढूंढना है, तो आप बोलोगे सर पी अपॉन बी, जो परपेंडिकुलर होगा इसमें बी एफ बनेगा और जो बेस है वो एच एफ बनेगा। यहाँ पे 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, बी एफ आप बोलोगे 87। समझना बच्चा, अब शांति से करना है। ये पूरा जो है मैं एक बार लिख देता हूँ एच जी और यहाँ पे एफ, तो हमने एच एफ लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं एच जी प्लस जी एफ। आप बोलोगे सही बात है सर, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, खाली आपको बस हमने थोड़ा पार्ट में लिखा हुआ है, पूरे की जगह पार्ट में लिखा। इसके बाद आप बोलोगे एच जी तो हमें पता है कितना, तो ये रहा, तो 1 अपॉन 83। यहाँ पे आप बोलोगे बच्चा यहाँ सिंप्लीफाई करें, उससे पहले उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ, तो एच जी प्लस जी एफ इज इक्वल टू 87 इंटू रूट 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आप बोलोगे 87 अपॉन रूट 3 प्लस जी एफ इज इक्वल टू 87 इंटू रूट 3। तो अभी आप बोलोगे सर अभी आगे चलते हैं बच्चा, अभी ये 87 अपॉन रूट 3 को दूसरी साइड ले लेते हैं, तो जी एफ इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 87 इंटू रूट 3 माइनस 87 अपॉन रूट 3। आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ 87 है और यहाँ पे भी 87 है, तो आप बोलोगे सर जी एफ इज इक्वल टू 87 और यहाँ पे आप बोलोगे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो बच्चा अभी यहाँ पे कंपलसरी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 87 यहाँ पे लिखा रूट 3, ये रूट 3 इंटू रूट 3 बच्चा हो जाएगा 3 माइनस 1। आगे जाएंगे जी एफ इज इक्वल टू 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3। जैसे ही ये स्टेप आया आप बोलोगे सर रूट 3 को निकालना है नीचे डिनोमीटर में से, तो आप रैशनलाइज करोगे तो 87 इंटू 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे भी 87 अपॉन यहाँ पे भी रूट 3। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे फाइनल आंसर सर क्या आएगा, तो बच्चा अभी हम आगे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 87 इंटू 2 अपॉन 3 और आप बोलोगे 3 ये सर लिख दिया इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 174 इंटू रूट 3 अपॉन 3, 3 से कट करेंगे तो 58 इंटू रूट 3 आ जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून या डिस्टेंस कवर बाय द बलून इज जी एफ इज इक्वल टू डी ई, दोनों इक्वल ही है, और ये ऐसे भी लिख सकते हो डी और इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि यहाँ ए से पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस कितना कवर किया, तो 58 इंटू रूट 3। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ नए एक सम के साथ।